नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। तो पूर्व सैनिक कोटे से पुलिस में भर्ती होगी 150 कांस्टेबल, ये हेडलाइन है आज की। और सैनिक कल्याण विभाग ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया, इससे पहले ये हो जानी थी परंतु आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ये नहीं हो पाई। अब जो इसमें मेन है किस्त की जो लिस्ट है वो तैयार की जा रही है। हमीरपुर की न्यूज़ है ये, और क्या क्या बताया गया इसमें वो जानकारी हम आपको दे देंगे। तो सैनिक कल्याण विभाग के सौजन्य से पूर्व सैनिकों के कोटे से पुलिस विभाग में 150 आरक्षियों के पद भरे जाएंगे। इनमें से पुलिस विभाग में 4 सामान्य जनरल ड्यूटी के कांस्टेबल शामिल हो गए। आचार संहिता के हटने के बाद सब सैनिक कल्याण विभाग ने इन पदों को भरने के लिए आवेदन जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। विभाग पात्र पूर्व सैनिक की सूची तैयार कर रहे हैं, ये आप इसको देखिएगा। पूर्व जो सैनिक है उनकी सूची तैयार कर रहे हैं और सूचीबद्ध पात्र अभ्यर्थियों को सरकार के लिए कॉल लेटर भेजने जा रहे हैं। जल्द विभाग पात्र अभ्यर्थियों के नाम और कॉल लेटर सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा, अपडेट करेगा। और जून के लास्ट तक इसमें इन पदों के जो इंटरव्यू हो गए साक्षात्कार हो गए वो होने हो सकते हैं, उम्मीद है ऐसे। लोकसभा चुनावों के कारण लगे आचार संहिता के चलते विभाग ने अब तक इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की थी, परंतु अब आचार संहिता हट गई है तो उम्मीद है अब कि ये पद अब भरे जाएंगे। सूबे के पूर्व सैनिक लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अब सैनिक खुश है। अभी तक सैनिक कल्याण विभाग ने साक्षात्कार की तिथि तय नहीं की है, लेकिन जून के अंत तक साक्षात्कार होने की संभावना है। इन 150 पदों में से चालकों के महज आधा दर्जन पद भरे जाएंगे, शेष माने जनरल ड्यूटी के पद इसमें जीडी की पोस्ट है इसमें भरे जाएंगे। और इसके जो कल्याण सैनिक कल्याण विभाग के जो डायरेक्टर हैं या निदेशक हैं ब्रिगेडियर एस के वर्मा, उन्होंने इसके बारे में सूचना दी है कि 150 कांस्टेबलों के पदों को भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें कॉल लेटर भेजकर साक्षात्कार की तिथि के लिए जानकारी दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। पूर्व सैनिक कोटे से पुलिस में भर्ती होगी 150 कांस्टेबल, तो ये महत्वपूर्ण है। और सैनिक कल्याण विभाग इसकी प्रक्रिया करेगा और इसकी एक लिस्ट बनेगी, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा, फिर आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे, उसके बाद फिर आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना। आज के लिए इतने, वीडियो को लाइक करेगा अपने दोस्तों को। कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी जो आपको दी जाती है उसको ज़रूर शेयर किया करो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जो भी आपका सोशल मीडिया लिंक है, ताकि जो सच्ची घटनाएं, जो सच्ची खबर है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और वो आप लोगों तक पहुंचा सके, तो ये आपका दायित्व बनता है। तो आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को दबाइएगा। जिनको भी अपडेट्स चाहिए वो हमारे साथ इस चैनल के टच में रहिए, जैसे इसके बारे में कोई और जानकारी आएगी पूरी सूचना हम आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतने, नमस्कार।